Hello students, good afternoon and welcome to Byju's Exam Prep. Aap sabhi ka Byju's Exam Prep channel mein swagat hai. My name is Prachi. I am the Paper 2 Political Science faculty at Byju's Exam Prep. Aur main sabhi ka swagat karti hoon is aaj special lecture mein. I know ki aap sabhi is lecture ki bahut zyada wait kar rahe the and I hope you are as excited for this lecture as I am. होने वाला है 50 क्वेश्चंस का प्रचंड सवालों का जंग. यस यू हर्ड इट राइट. सो देयर विल बी अ वीकली टेस्ट टुडे जिसमें हम 50 क्वेश्चंस करेंगे एंड इट वुड बी लाइक अ रैपिड रिवीजन फॉर ऑल ऑफ यू. ओके, इस क्लास के बारे में, इस लेक्चर के बारे में मैं थोड़ी देर में और डिस्कस करूंगी, बट लेट ऑल द स्टूडेंट्स कम एंड देन आई विल स्टार्ट द क्लास. क्योंकि क्लास इतनी ज्यादा स्पेशल है, आई एम होपिंग कि अनदर 3-4 मिनट्स में क्लास में 100+ स्टूडेंट्स आ जाएंगे और मैं तभी क्लास को स्टार्ट करूंगी. तो मेक श्योर कि आप क्लास को लाइक करें और सेशन को शेयर कर दें विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कम टू नो अबाउट दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर. ओके, हाय सुधीर, राज, सीमा, सरू, कुसुम, शाजिया, मेघा, रमेश, अंकिता, आकांक्षा, स्वर्णा, शाजिया, कामिनी, सोनल, पूजा, गुड आफ्टरनून ऑल. हाय बबीता, सुरुचि, वेलकम. जल्दी से सब स्टूडेंट्स आ जाएं सो दैट वी कैन स्टार्ट विद टुडेज क्लास. ओके, जल्दी जल्दी से सब आ जाएं सो दैट वी कैन स्टार्ट. हाय परमजीत, गार्गी, साक्षी, कोमल, आकांक्षा, शुभम, रकुल, उर्वशी, रीमा, गुड आफ्टरनून टू ऑल. जल्दी जल्दी से सब स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स को बता दो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और अगर वो नहीं आएंगे क्लास में तो क्लास स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि 100+ स्टूडेंट्स तो आज पक्का होने चाहिए क्लास में, बिकॉज इट इज सच अ स्पेशल क्लास फॉर ऑल ऑफ अस. ओके, यस, वेरी गुड सुरुचि, वेरी नाइस. हाय कुसुम, सारिका, सुमन, किरण, अक्षय, ममता, हेलो, वेलकम, गुड आफ्टरनून. जल्दी जल्दी से सब आ जाएं. ओके, देन वी विल स्टार्ट द क्लास. ओके, हाय सारिका, गुड आफ्टरनून. यस, हाय प्रीति, सुरोज, गुड आफ्टरनून. जल्दी जल्दी से सब आ जाएं. 50 क्वेश्चंस का वीकली टेस्ट है अब, क्योंकि एग्जाम पास आने वाला है, कभी भी एग्जाम की नोटिफिकेशंस आ जाएंगी. सो वी वांट एट बायजूस एग्जाम प्रेप दैट यू आर कंप्लीटली प्रिपेयर्ड. और इस तरह के वीकली टेस्ट, रैपिड रिवीजन सीरीज आपके लिए और आगे ऑर्गेनाइज की जाएंगी एंड दिस इज वन ऑफ दोज टेस्ट. सो डू नॉट वरी, और भी ऐसे वीकली टेस्ट आएंगे, बट यू नीड टू बी रेडी. ओके, अगर आप बहुत टाइम से एग्जाम के लिए वेट कर रहे थे तो दिस टेस्ट इज डेफिनेटली फॉर यू. इसमें आपका एक मिनी एग्जाम की तरह, जैसे सुरुचि ने बोला, एक मिनी एग्जाम की तरह आपको बेटर आइडिया मिल पाएगा कि आर यू एक्चुअली रेडी फॉर द एग्जाम. पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के 50 क्वेश्चंस आज होंगे और हम ये रैपिड रिवीजन की तरह करेंगे. ठीक है, तो जल्दी से सब आ जाए. ओके, गार्गी, गुड क्वेश्चन. ये हमें भी अभी एग्जैक्टली पता नहीं है. वी आर होपिंग कि एंड ऑफ जून और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में एग्जाम ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, पर नोटिफिकेशन अभी तक कुछ नहीं आई है, सो वी आर नॉट वेरी मच श्योर अबाउट इट. ओके, ममता, मैं नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स लूंगी. अपना डैशबोर्ड देखते रहे, टाइम टेबल देखते रहे, वहां पर सारी इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी. गार्गी, पोस्टपोन होने के चांसेस तो कम है, दैट इज फॉर श्योर. ओके, आकांक्षा, आई डू नॉट थिंक सो कि फॉर्म फिलिंग की डेट एक्सटेंड होगी, बट अगेन एनटीए बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गया है. तो अगर डेट एक्सटेंड हो जाती है तो इसका मतलब और ज्यादा हमें आइडिया मिल जाएगा कि जून में एग्जाम नहीं होगा, पर अभी तक ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं आया. मैं एक और मिनट वेट करूंगी एंड उसके बाद फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं. सैडली क्लास में 100+ स्टूडेंट्स नहीं आए, बट वी कांट वेट यू नो लॉन्गर देन दैट. सो हम एक और मिनट वेट करेंगे. ठीक है, बाकी मैं सभी स्टूडेंट से प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी कि क्लास के लिंक को जरूर शेयर करें सो दैट पीपल नो अबाउट दिस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड. ओके,
ओके तो चलिए स्टूडेंट्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं क्लास की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर देती हूँ। सो एज यू कैन सी आज 50 क्वेश्चंस का वीकली टेस्ट है। तो 50 क्वेश्चन का मतलब कि थोड़ा थोड़ी सी क्लास एक्सटेंड होगी। सो मोर देन एन आवर की क्लास आज हो सकती है। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा। फॉर ऑल क्वेश्चन यू विल बी गिवन 30 सेकेंड्स टाइम एंड विद इन दिस 30 सेकेंड्स आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है और मैं सिर्फ क्वेश्चन को रिपीट करूंगी। ऑप्शन आपके सामने होंगे और आपको उसमें से आंसर करना है। द रीजन ऑफ डूइंग दिस इज कि हम कम टाइम पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सके। सो आई विल ओनली रिपीट द क्वेश्चन और जो कमेंट जो ऑप्शंस होंगे वो आपको खुद पढ़ने और कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। 30 सेकेंड्स का आपको टाइम दिया जाएगा। ओके, क्योंकि 50 क्वेश्चन है तो हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। तो आज का पेपर स्टूडेंट आउट ऑफ 500 है। तो प्लीज अपनी नोटबुक में या किसी पेन एंड पेपर के साथ रहें और अपने आप को मार्क करते रहें कि आपने कितने सही आंसर दिए और कितने गलत। और क्लास के एंड में मुझे डेफिनेटली बताइएगा कि आउट ऑफ 500 आपका कितना स्कोर आया है। ये स्कोर आपको मेंटेन करना है, कोई आपके लिए मेंटेन नहीं करेगा। ठीक है, दूसरी स्टूडेंट आपको एक और बात मेरे को बतानी है और वो दूसरी बात ये है कि आज 4 बजे भी आपके लिए मैंने एक सेशन ऑर्गेनाइज किया है। ये सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बहुत टाइम से आईआर इंटरनेशनल रिलेशन के लिए क्लास डिमांड कर रहे थे। तो लास्ट वीक मैंने मोस्ट यूनिक क्वेश्चंस ऑफ आईएफपी प्रिपेयर कराए थे इन नेट व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन द लास्ट 5 ईयर्स। और आज मैं वैसा ही लेक्चर यूनिट 5 यानी कि आईआर के लिए लेकर आने वाली हूँ। ये लेक्चर अगेन यूट्यूब पे 4 बजे होगा। इट विल बी एट 4 PM ऑन यूट्यूब एंड आई विल बी टेकिंग दैट लेक्चर। तो 4 बजे आप इस क्लास के लिए भी डेफिनेटली आ जाइएगा। आपके टाइम पर कोई भी क्लास मिस करना गलती होगी तो प्लीज डू नॉट मिस एनी ऑफ योर लेक्चर्स। ठीक है, सो आई गेस ये सारे के सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड रूल्स एंड रेगुलेशन सबको क्लियर है। एक बार स्टूडेंट ओके लिख दीजिए और उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। प्लीज डू राइट ओके एंड उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। मंड्रिला, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि 1 घंटे में क्लास खत्म हो जाए, तो उसके लिए आपकी कोऑपरेशन चाहिए होगी। 50 क्वेश्चंस है तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है। तो आप वो वाली क्लास रिकॉर्डिंग देख सकते हो या आप क्लास को देन लीव करके जा सकते हो। बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं 1 घंटे के अंदर अंदर 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट करा दूं। सो यहाँ पे आप लोगों की कोऑपरेशन की जरूरत होगी। ठीक है, इफ यू लाइक द एफर्ट दैट वी आर पुटिंग, मेक श्योर कि आप लेक्चर को लाइक जरूर करें, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। सो लेट्स स्टार्ट द प्रचंड सवालों के इस जंग को एंड हियर यू गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम एग्जीक्यूटिव इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, टाइम स्टार्ट हो रहा है, आंसर करेंगे 20 सेकेंड्स। आई एम सॉरी, आपको टाइम मिलेगा, सॉरी मैंने 30 सेकेंड्स बोला था। यू विल बी गिवन 20 सेकेंड्स टू आंसर। यस, थैंक यू। यस अंकिता, देख लिया मैंने, 100+ हो गया है, गुड। अब आंसर करना शुरू कीजिए। निरुपमा, पॉलिटिकल साइंस, प्लीज स्टूडेंट आंसर। यस 100% डन, अब आंसर देना शुरू कर दीजिए। ओके, वेरी गुड। सो ऑल द स्टूडेंट्स आर गिविंग द राइट आंसर। द करेक्ट आंसर इज बी। एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो कार्यकारी भाग है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है लोअर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर पे। इंडिया के केस में इट इज लोकसभा और इसके बारे में आर्टिकल 75 में लिखा भी हुआ है। ठीक है, दैट इट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट इज पार्ट ऑफ इंडिया लुक ईस्ट पॉलिसी, विच कंट्री इज इंडिया पार्टनर इन दिस प्रोजेक्ट। टाइम स्टार्ट हो गया है, प्लीज आंसर। प्लीज आंसर, टाइम हैज स्टार्टेड। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मैं आपको दे दूंगी, प्लीज आंसर। ओके, वेरी गुड। आज स्टूडेंट्स काफी फॉर्म में हैं एंड यू हैव ऑल गिवन द राइट आंसर। द करेक्ट आंसर स्टूडेंट इज ए, म्यांमार।
ए म्यांमार करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। तो कलाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो है इट इज रिगार्डिंग इंडिया कनेक्टिंग विद इट्स नॉर्थ ईस्ट कंट्री एज वेल वाया म्यांमार, और म्यांमार के साथ भी बेटर रिलेशनशिप बनाने के लिए, ट्रेड को बढ़ाने के लिए ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, और ये म्यांमार के साथ है। ए इज द राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पीड एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक, पोलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल रिलेशन अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स इज नोन एज पोलिटिकल इकोनॉमी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन और वर्ल्ड इकोनॉमी। टाइम स्टार्ट हो चुका है, प्लीज आंसर। यस, सारे अलग अलग यूनिट से क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट्स, ये पूरा 50 क्वेश्चन का टेस्ट है, तो यूनिट 1 से लेकर 10 तक आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट ने सही आंसर देना शुरू किया है। ओके एंड यस, वेरी गुड, द आंसर इज सी। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड पोलिटिकल रिलेशंस, सो सी इज द राइट आंसर। ओके, पोलिटिकल साइंस की क्लास हो रही है श्रेया। Let's go to the next question. In January 2002, which of the following countries were described as axis of evil by the USA president? Okay, time start kar diya maine. Please answer. Next question pe aa jaye jaldi jaldi se. प्लीज अपने आप को मार्क करते रहिए, जितने भी सही आंसर आप दे रहे हो कि कितने सही अभी हो चुके हैं, तो +10 मार्क्स फॉर एवरी क्वेश्चन यू नीड टू गिव योरसेल्फ। ओके एंड प्लीज मेक श्योर कि चीटिंग मत करना। ओके ओके, वेरी गुड, सो द करेक्ट आंसर स्टूडेंट इसका है बी, नॉर्थ कोरिया, ईरान एंड इराक, उन्हें एक्सेस ऑफ ईविल बोला था 2002 में यूएसए प्रेसिडेंट ने। ठीक है, अगर आपको इन जनरल भी बताया कि यूएसए की किससे नहीं बनती है तो भी आप ही आंसर दे पाते, नॉर्थ कोरिया, ईरान, इराक। ओके, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोजेक्ट मौसम एम्स एट व्हाट? डेवलपिंग रिलायबल वेदर फोरकास्ट, रिस्टोरिंग एंशियंट मैरिटाइम रूट्स, डेवलपिंग एग्रीकल्चर बेस्ड ऑन मॉनसून प्रेडिक्शन, इंप्रूविंग इरिगेशन इन एरिड लैंड्स। टाइम स्टार्ट हो चुका है, प्लीज आंसर। जी रिचा, इसका पीडीएफ जरूर दे दिया जाएगा, डू नॉट वरी, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे दिया जाएगा, तो टेलीग्राम को के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, डू ज्वाइन द ग्रुप। ओके, वहां पे मैं इस क्लास का लिंक शेयर कर दूंगी सबके साथ। ओके, सो यहाँ पे मेजोरिटी स्टूडेंट फिफ्थ क्वेश्चन का भी सही आंसर दे रहे हैं, आंसर इज बी, रिस्टोरिंग एंशियंट मैरिटाइम रूट्स एंड कल्चरल लिंक्स। ये प्रोजेक्ट मौसम 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा स्टार्ट किया गया, एस्टैब्लिश किया गया, सो बी इज द राइट आंसर, कि मैरिटाइम रूट्स और कल्चरल लिंकेजेस बनाने के लिए प्रोजेक्ट मौसम को स्टार्ट किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who describes Indian Federation as a holding together federation and not a coming together federation? P. Bardhan, R. L. Watts, Douglas Verney या D. D. Basu? Time start हो चुका है। Yes, Shubham. It complements Sagar. You can say that. Next question, sixth. Please answer. ओके, कीप ऑन आंसरिंग, यस, वेरी गुड। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है रिगार्डिंग कि किसने इंडिया की फेडरेशन को होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन बोला। वेल स्टूडेंट, इसका सही आंसर है पी वर्धन, प्रधान वर्धन, उन्होंने स्टूडेंट ये बात बोली थी दैट इंडिया फेडरेशन इज अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन एंड नॉट कमिंग टुगेदर। ओके, तो ए इसका आंसर है, कुछ बी सी डी भी लिख रहे हैं, ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who represented the Congress in the Second Roundtable Conference at London in 1931? Gandhi, Nehru, Shastri or Ambedkar? Time start ho chuka hai. This is a very easy question as per me.
चलिए जल्दी जल्दी आंसर करिए। यस वेरी गुड, द करेक्ट आंसर स्टूडेंट इसका यहाँ पे ए और डी में कंफ्यूजन लग रही है, बट द करेक्ट आंसर इज ए। महात्मा गांधी ने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में से सिर्फ एक अटेंड की थी, एंड दैट वाज द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, एंड वहां पे कांग्रेस को रिप्रेजेंटेशन गांधी ने दी थी। तो ए इज द आंसर। बी आर अम्बेडकर ने सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड किया था, बट ही डिड नॉट रिप्रेजेंटेड कांग्रेस पर से, दैट वाज गांधी। तो ए इसका आंसर है। ठीक है, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिपेंडेंट इंडिया वेयर द गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड आफ्टर इंजीनियरिंग स्प्लिट्स एंड डिफेक्शन? पेप्सू, मद्रास, आंध्रा और राजस्थान। टाइम स्टार्ट हो चुका है। करेक्ट सारिका, यस करेक्ट शुभम, प्लीज आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब ओके, सो टाइम इज अप, और इसका सही आंसर है स्टूडेंट मद्रास। काफी सारे स्टूडेंट पेप्सू आंसर कर रहे हैं, बट द करेक्ट आंसर स्टूडेंट इज बी, मद्रास। ओके, दैट वाज द फर्स्ट स्टेट। पेप्सू विल नॉट बी कॉल्ड एज अ स्टेट पर से, राइट? सो मद्रास इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ओके चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज अ ब्रिज बिटवीन साइंटिफिक मैनेजमेंट एरा एंड सोशल मैन एरा? प्योल, टेलर, फोलियट और चेस्टर बर्नार्ड। टाइम स्टार्ट हो चुका है। प्लीज आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो इजी क्वेश्चन है। यस वेरी गुड, तो स्टूडेंट्स काफी सही आंसर दे रहे हैं, एक्चुअली सभी सही आंसर दे रहे हैं। द करेक्ट आंसर इज सी, एमपी फोलियट। शी इज रिगार्डेड एज अ ब्रिज बिटवीन साइंटिफिक मैनेजमेंट एरा एंड सोशल मैन एरा, बिकॉज बेसिकली उनकी जो थ्योरी है उसमें दोनों चीजों को कंसिडरेशन प्रोवाइड की गई है। सो सी इज द आंसर। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन हिज कैपेसिटी एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी डिस्चार्जेस हिज फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यूनियन कैबिनेट, यूनियन होम मिनिस्टर और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? टाइम स्टार्ट हो चुका है, प्लीज आंसर। चलिए आंसर कीजिए। वेरी गुड, तो अगेन यहाँ पे लगता है स्टूडेंट ने मेरी सीरीज की क्लासेस देखी हैं जो मैंने गवर्नर पे अभी रिसेंटली ली थी। द करेक्ट आंसर स्टूडेंट इसका है डी, द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो गवर्नर है एक स्टेट के, वो एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी के भी एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर बन सकते हैं, एंड व्हेन ही इज वर्किंग एज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी, तब वो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पर बाध्य नहीं है। ठीक है, ही इज नॉट बाउंडेड टू, ही इज नॉट बाउंड, आई एम सॉरी, टू लुक इन टू द एड एंड एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स। ओके, सो दैट इज द आंसर, डी इसका सही आंसर है। ओके, थॉमस हॉब्स कंस्ट्रक्टेड हिज पॉलिटिकल फिलोसफी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोस्टुलेट्स डिराइव फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, थियोलॉजी और मेटाफिजिक्स? ओके लीजिए, एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो यस मेजोरिटी स्टूडेंट ने इसका सही आंसर दिया। आंसर इज ए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल साइंस। वेरी गुड, ए इज द राइट आंसर, वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेजोल्यूशन 1267 ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज रिलेटेड टू
इंटरनेशनल टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम एंड ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। टाइम स्टार्ट हो चुका है, प्लीज आंसर। जल्दी जल्दी करना है स्टूडेंट्स, तो जल्दी जल्दी आंसर करें। कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे थोड़े से मिक्स्ड आंसर्स मिल रहे हैं। वेल स्टूडेंट, इसका करेक्ट आंसर है ए। रेजोल्यूशन 1267 जो है वो इंटरनेशनल टेररिज्म से डील करता है। काफी सारे स्टूडेंट ने डी आंसर दिया, करेक्ट आंसर इसका है ए। ठीक है, ए इंटरनेशनल टेररिज्म 1267, ए इसका आंसर है टेररिज्म। Who among the following sought to establish the non-utilitarian proposition that some pleasures are of higher quality than others? Priestley, Hutchinson, Bentham or Mill? Time start ho chuka hai. Yes, Shubham, good. Next question ki taraf badhte hain. वेरी गुड। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सही आंसर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुड गुड, इसका सही आंसर है स्टूडेंट मिल। ओके, जे एस मिल, जे एस मिल इज द राइट आंसर। ओके, ऑनलाइन एग्जाम गेमिंग, ऐसे स्टूडेंट्स को मत बोलो कि आपका ये गलत हो गया, ये हो गया। अभी सब सिर्फ आंसर पे मतलब आंसर देने पे ध्यान दो। जिसका गलत हुआ है, जिसका सही हुआ, उन्हें खुद पता चल जाएगा। ठीक है, कोई नहीं, गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं, इंसान है। अभी सीखोगे तो फिर एग्जाम में गलती नहीं करोगे, तभी ऐसे मॉक टेस्ट रखे जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन कमिटीज हैज आइडेंटिफाइड वीक गवर्नेंस एज द मेन रीजन ऑफ करप्शन इन इंडिया? फर्स्ट एआरसी, सेकेंड एआरसी, वोरा कमेटी या सनातनम कमेटी? चलिए आंसर करें। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी। वेरी गुड, यस, कीप ऑन आंसरिंग। यस, तो यहां पे कुछ स्टूडेंट डी बी आंसर कर रहे हैं। वेल द करेक्ट आंसर इज बी। सेकेंड एआरसी कमेटी ने बोला था कि वीक गवर्नेंस जो है, कमजोर शासन जो है, वो मेजर रीजन है करप्शन का इंडिया में। तो बी इसका सही आंसर होगा। ओके, वेरी गुड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन? टाइम स्टार्ट कर रही हूँ। फ्योल, एप्पलबी, साइमन और ड्रकर? चलिए चलिए आंसर कीजिए। ओके, वेरी गुड। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी। ओके, सो इस क्वेश्चन में सरप्राइजिंगली स्टूडेंट गलत आंसर्स मेजोरिटीली दे रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट ने बी आंसर किया है। वेल इसका करेक्ट आंसर है हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया है। ही वाज अ क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन स्कॉलर और ए इज द राइट आंसर। ठीक है, हु ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्स सेल्फ डिफेंस, एनफोर्सिंग ऑफ राइट्स, मेकिंग रेपरेशन फॉर इंजरी एंड पनिशिंग रॉन्ग डूअर एज द कॉजेस फॉर अ जस्ट वॉर? एम कोसिनेमी, ह्यूगो प्रोथियस, सी ग्रे और जे जी स्टॉक? टाइम स्टार्ट हो चुका है। यस, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ओके,
तो यहाँ पे आइदर बी और सी पे मेजोरिटी आंसर्स आ रहे हैं, कुछ ने डी भी लिखा है. इसका सही आंसर है स्टूडेंट बी, ह्यूगो क्रोथियस. ओके, ह्यूगो क्रोथियस ने स्टूडेंट ये पर्टिकुलर चीज बोली थी रिगार्डिंग व्हाट कंसिडर्ड एज द सीन फॉर जस्ट वॉर, कि कब वॉर को एक तरह से इनिशिएट करना, लॉन्च करना सही रहेगा. ओके, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एज प्रोपाउंडेड बाय सुप्रीम कोर्ट जजेस लिमिट्स द अमेंडिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट और जुडिशियल. टाइम स्टार्ट हो चुका है. कट ऑफ तो बहुत बाद की बात है अक्षय, पहले क्वेश्चंस कर लो, पता चले कि कट ऑफ सोचते रह गए और क्वेश्चंस ही आंसर नहीं हुए. कट ऑफ के बारे में कभी और बात कर लेंगे, अभी आंसर पे ध्यान दो. ओके, चलिए. और इस पे प्रद्युमन सर ने एक लेक्चर भी लिया था, आप जाके वो लेक्चर देख सकते हैं. तो करेक्ट आंसर स्टूडेंट इसका है, एज मेनी ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर, सी इसका आंसर है द पार्लियामेंट. ठीक है, द पार्लियामेंट जिसके पास अमेंडिंग पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है, संशोधन शक्ति है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू प्लेटो जस्टिस इज व्हाट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बर्डन एंड बेनिफिट्स, पनिशमेंट एंड रेट्रीब्यूशन, वन मैन वन वर्क, वन क्लास वन ड्यूटी. चलिए आंसर करें, ऑलरेडी दे दिया है आपको शाउट आउट जब आपको बोला था कि आप ऐसे किसी को पिन पॉइंट मत करो. ठीक है, तो शाउट आउट मिल चुका है, अब क्वेश्चंस को करेक्ट करने पे ध्यान दो. ओके, तो ओके वाह, इसका तो सबने ऐसे फटाफट से सही आंसर दिया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था. आंसर है डी, प्लेटो के लिए जस्टिस का मतलब है वन मैन वन वर्क, वन क्लास वन ड्यूटी. तो उन्होंने जो थ्योरी ऑफ थ्री क्लासेस दिया है उससे रिलेटेड ये बात बोली जा रही है. सो वेरी नाइस. 19th क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाउंड्स ऑल अथॉरिटी टू एक्ट इन द एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, 139, 141, 144 और 142. टाइम स्टार्ट हो चुका है. चलिए चलिए आंसर करें. ओके, मुझे लग ही रहा था कि इस क्वेश्चन में काफी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी एंड वो दिखाई दे रहा है, बट तब भी कुछ स्टूडेंट्स मेजोरिटी सही आंसर दे पाए. आंसर है इसका सी, आर्टिकल 144. ओके, आर्टिकल 144. ओके, 144. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. मैकेवेली डिड नॉट डेवलप द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल डिस्पोटिज्म लाइक हॉब्स, हु सेड इट, बाकर, सबाइन, क्रॉसमैन और फॉस्टर. टाइम स्टार्ट हो चुका है, प्लीज आंसर. वापिस, ओके सॉरी, टाइमर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी. करेक्ट आंसर आप देख चुके हैं ऑलरेडी, द करेक्ट आंसर स्टूडेंट है इसका बी, सबाइन. सबाइन ने ये लाइन बोली थी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग कंसिडर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन एज अ मेयर मिथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, फोलियर, टेरी, मूनी और मिलेट. चलिए आंसर करें. ओके, तो यहाँ पे भी अगेन कंफ्यूजन दिखाई दे रही है, बट यस द करेक्ट आंसर इज फोलियट. फोलियर ने बोला था कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन इज अ मेयर मिथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी. ओके, वेरी गुड, बढ़िया, अच्छी बात है, सबने सही आंसर दिया. चलिए
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडियाज गुड नेबरहुड पॉलिसी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रेसिप्रोसिटी इज एट्रिब्यूटेड टू नरसिम्हा राव, आईके गुजराल, वाजपेयी और राजीव गांधी. टाइम स्टार्ट हो चुका है. जी सही बोल रहे हो आप जसप्रीत. अब इसका आंसर दो. ये तो अभी कल ही पढ़ाया है मैंने. अगर कल किसी ने आईएफपी पे चर्चा की क्लास देखी थी तो वहां पे ये पढ़ाया है अभी कल ही. वेरी गुड. सो सही आंसर है इसका बी, आईके गुजराल. ओके बी आईके गुजराल. वेरी गुड. मटीरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री वॉज एनालाइज्ड बाय हेगल, ग्रीन, कांट और मार्क्स. लड्डू क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो. एग्जैक्टली सारिका. चलिए 23rd क्वेश्चन का आंसर भी बता दो जल्दी से. जी आकांक्षा. करेक्ट शुभम. चलिए तो इस लड्डू क्वेश्चन का फटाफट सभी ने सही आंसर दिया. आंसर है इसका डी, मार्क्स. ही इज द वन हु डिड अ मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री. विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज फाउंड इन द कलोनियल रूल? रूलर डोमिनेटेड, रूलिंग ब्यूरोक्रेसी, कास्ट ब्यूरोक्रेसी और पार्टी स्टेट ब्यूरोक्रेसी. चलिए आंसर करें. यस करेक्ट सुरुचि. अब इसका आंसर कर दो. ये इतना लड्डू क्वेश्चन नहीं है. लेट्स सी किस किस का सही आंसर आता है. बिल्कुल सरू सही बोला पर मेरे को लग रहा था कि आप ये बात नोटिस करते हो या नहीं करते हो तभी मैंने ये वर्ड बोला. ठीक है चलिए. तो यहाँ पे कंफ्यूजन दिखाई दे रही है बिटवीन ए एंड बी. करेक्ट आंसर स्टूडेंट है बी, रूलिंग ब्यूरोक्रेसी. रूलिंग ब्यूरोक्रेसी आपको कॉलोनियल रूल में देखने को मिलती है. बी इज द राइट आंसर. पेट्रनेज ब्यूरोक्रेसी इज आल्सो नोन एज कास्ट, फ्यूडल, गार्डियन और स्पॉइल सिस्टम. टाइम स्टार्ट हो गया है. चलिए चलिए आंसर करें. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके सो टाइम इज अप एंड मेजॉरिटी स्टूडेंट ने इसका गलत आंसर दिया है. आंसर है इसका डी, स्पॉइल सिस्टम. पेट्रेनेज ब्यूरोक्रेसी को स्पॉइल सिस्टम भी बोला जाता है. आई थिंक सिर्फ दो तीन स्टूडेंट ने ही सही आंसर दिया, अदरवाइज सबने सी आंसर दिया विच इज द रॉन्ग आंसर. ओके 12:30 हो चुके हैं और हम आधे क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं. सो होपफुली 1 बजे से पहले पहले आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे एंड यू कैन अटेंड योर नेक्स्ट क्लास. ओके तो जल्दी से आप 26 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. आई होप जो स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन किया उन्होंने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया है. 26th क्वेश्चन. द आइडिया ऑफ डिकंस्ट्रक्शन इज एसोसिएटेड विद डेरिडा, सोस्योर, हिडेगर और फ्रैंकफुर्ट स्कूल. टाइम स्टार्ट कर रही हूँ. क्लास को छोड़ के अभी मत जाइए, सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे आज हम. ओके ओके तो यहाँ पे सब सही आंसर दे रहे हैं. आंसर इज ए, जैक्स डेरिडा, जिन्होंने डी कंस्ट्रक्शन का आइडिया दिया. ही इज वन ऑफ द पोस्ट मॉडर्न स्कॉलर. सो ए इज द राइट आंसर. वेरी गुड. विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज नॉट प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी, ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूएंसी, नॉमिनेटेड मेंबर्स, रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूएंसी. टाइम स्टार्ट हो रही है, हो रहा है सॉरी.
ये क्वेश्चन थोड़ा सा शायद सबको डिफिकल्ट लगेगा, पर कॉमन सेंस लगाओगे तो इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। यस किरण, करेक्ट। और स्टूडेंट्स को भी बुलाओ, किरण 150+ होना चाहिए स्टूडेंट्स का। गुड सरू, ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेजोरिटी स्टूडेंट ने सही दिया, द करेक्ट आंसर इज डी। सो वी ऑल नो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजन के बेसिस पे किसी तरह का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया है व्हाट सो एवर। तो यहाँ पे जो एक पैटर्न ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो रिलीजियस लेवल पे तो है ही नहीं, तो रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूएंसी आंसर होगा। ये टीचर्स और ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी बेसिकली आइडिया है जो आपको स्टेट लेजिस्लेचर में देखने को मिलता है, जहाँ पे जो अपर हाउस है उसके मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड और कैन बी इलेक्टेड, हु हैव बीन द सॉरी द पीपल हु विल इलेक्ट विल बी द टीचर्स एंड द ग्रेजुएट। सो ऐसे का ऐसे रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट देखने को मिलता है, बट रिलीजियस लेवल पे रिप्रेजेंटेशन इज नॉट अलाउड क्योंकि हम कम्युनलिज्म को बढ़ावा नहीं देते हैं। ओके, सो डी इज द आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग सेड पोलिटिकल बिहेवियर स्टैंड फॉर बोथ एन इंटेलेक्चुअल टेंडेंसी एंड अ कॉन्क्रीट एकेडमिक मूवमेंट, डाल, एलमंड, आर्थर बेंटली और डेविड ईस्टन। वेरी गुड सुमन, यस करेक्ट रिद्धि। करेक्ट शुभम, पर वो इंडिपेंडेंस के बाद कंटिन्यू नहीं किया गया। चलिए 28 क्वेश्चन का आंसर दें। ओके, यहाँ पे बी और डी में कंफ्यूजन दिख रही है, बट द करेक्ट आंसर इज डेविड ईस्टन, दैट इज डी। ही वाज द वन हु सेड द पॉलिटिकल बिहेवियर स्टैंड्स फॉर इंटेलेक्चुअल एंड कॉन्क्रीट एकेडमिक मूवमेंट टेंडेंसी। तो डी इसका सही आंसर। अंडर द नॉर्थ साउथ डायलॉग व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन साउथ, ध्यान से देखिए, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन साउथ, यूरोपियन कंट्रीज, एशियन, अफ्रीकन एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। चलिए आंसर करें। Keep on answering. Okay, so time is up and yes, majority students सही आंसर दे रहे हैं। आंसर इसका है ए, यूरोपियन कंट्रीज। नॉर्थ साउथ डायलॉग में नॉर्थ रिप्रेजेंट्स द डेवलप्ड और द वेस्टर्न कंट्रीज एंड साउथ रिप्रेजेंट्स द डेवलपिंग एंड द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। ओके, जो 70s, 80s के दौरान इंडिपेंडेंट हुए, बेसिकली द थर्ड वर्ल्ड नेशंस। तो ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये नॉर्थ कैटेगरी में आता है, ना कि साउथ कैटेगरी में। ओके, सो ए इज द राइट आंसर। कंटेनमेंट थीसिस वाज प्रोपाउंडेड बाय हेनरी किसिंगर, जॉर्ज केनार, लॉयड जॉर्ज और नन ऑफ देम। टाइम स्टार्ट हो चुका है। आंसर प्लीज। टाइम है स्टार्टेड। ओके, वेरी गुड। तो द करेक्ट आंसर स्टूडेंट इसका है बी, जॉर्ज केनार। जॉर्ज केनार ने कंटेनमेंट थीसिस दिया था। ओके, सो बी इज द आंसर, नॉट ए। कुछ स्टूडेंट्स ए भी लिख रहे हैं, बी इज द राइट आंसर। इन विच ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया द फर्स्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वॉज फॉर्म, केरला, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए आंसर करिए। ओके, तो यहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट्स ने तो सही आंसर दिया है, बट
बट देर आर सम स्टूडेंट्स जिन्होंने गलत भी दिए हैं आंसर, तो प्रोपोर्शन ऑलमोस्ट सेम है. द करेक्ट आंसर इज ए केरला. केरला इज द फर्स्ट स्टेट जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जहां पे फॉर्म हुई थी, तो ए इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. गुजराल डॉक्ट्रिन ऑफ आईएफपी वाज प्रोपाउंडेड अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ गांधी, नरसिम्हा राव, वाजपेयी और देवे गौड़ा. कल ही ये क्वेश्चन कराया है, कितनी बार पूछो ही मत. अगर वो किसी ने क्लास नहीं देखी है तो बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप और वेबसाइट पे अवेलेबल है, जाके देख लीजिए. गुजरात डॉक्ट्रिन पे कल ही क्लास ली थी. ओके, वेरी गुड. तो जिन स्टूडेंट्स ने शायद मेरी वो कल क्लास देखी थी उनको ऑलरेडी आंसर पता है. आंसर है एच डी देवे गौड़ा गवर्नमेंट. गुजराल डॉक्ट्रिन आई के गुजराल ने प्रिंसिपल्स बनाए थे व्हेन ही वाज एन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इन एच डी देवे गौड़ा गवर्नमेंट इन 1996. ओके, तो वो तब विदेश मंत्री थे और उन्होंने इनके प्रधानमंत्री सत्ता के अंतर्गत, शासन के अंतर्गत वो प्रावधान बनाए. सो इसीलिए एच डी देवे गौड़ा गवर्नमेंट सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मंथली मैगजीन राष्ट्र धर्म वॉज स्टार्टेड बाय हेगड़ेवार, सॉरी, दीनदयाल उपाध्याय, एसपी मुखर्जी या नन ऑफ देम. सुधीर, वैसे तो क्लास के टाइमिंग्स हैं मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 1 बजे बायजूस एग्जाम प्रेप की ऐप पर, और यूट्यूब पे मैं ट्यूजडे और थर्सडे को 4 बजे क्लास लेती हूँ. आज ये स्पेशल क्लास रखी. ओके, सो सभी स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है. आंसर इज दीनदयाल उपाध्याय, बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग एम्फसाइज द इमर्जेंस ऑफ मार्केट पॉलिटी इन इंडिया. स्टैनली, मॉरिस जोन्स, पॉल ब्रास, जेम्स पावर. ओके, तो टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज बी मॉरिस जोन्स. मेजोरिटी स्टूडेंट्स वर गिविंग द राइट आंसर. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. फ्रीडम ऑफ प्रेस, मूवमेंट, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पीसफुल असेंबली. काफी अच्छा क्वेश्चन है ये. लेट्स सी इसका कौन कौन सही आंसर देते हैं. चलिए आंसर करें. ओके, तो जैसे मैंने गेस किया था, इसका काफी सारे स्टूडेंट्स ने गलत आंसर दिया है. वह स्टूडेंट इसका आंसर है ए, फ्रीडम ऑफ प्रेस. ध्यान से देखिए कि क्या है क्वेश्चन. क्वेश्चन में बताया है कि आर्टिकल 19, जिसमें 6 फ्रीडम्स के बारे में बात की जाती है, स्पेसिफिकली कौन सा नहीं मेंशन है, मतलब डायरेक्टली कौन सा नहीं लिखा हुआ. ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के बारे में बात की है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन और पीसफुल असेंबली के बारे में बात की है. जहां तक फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात आती है, वो स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर उसकी व्याख्या यानी कि इंटरप्रिटेशन किया हुआ है. ठीक है, तो इसलिए ए इसका आंसर है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ना कि बी. मेजोरिटी स्टूडेंट बी मार्क करें. फ्रीडम ऑफ मूवमेंट तो मेंशनड है स्पेसिफिकली आर्टिकल 19 में. ओके, सो ए इसका राइट आंसर है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब मॉडर्न डेमोक्रेसी एज पॉलियार्की. ईस्टन, रॉबर्ट डैल, शुमपेटर और एस हंटिंगटन. इजी क्वेश्चन है ये तो. यस, करेक्ट किरण. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टूडेंट, यहाँ आपको एक ट्रिक के बारे में पता चलता है, तो इवन नेट एग्जाम में भी आपको ये ट्रिक देखने को मिलती है. और ट्रिक ये है कि एग्जामिनर जानबूझ के आपको सीरीज ऑफ
सिंपल क्वेश्चंस देंगे और बीच में ऐसा कोई टेढ़ा मेढ़ा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे देंगे, तो क्या होता है कि आप ऑलरेडी सेवेंथ हेवन में होते हो क्योंकि आपने सारे सही आंसर्स दे दिए हैं। फिर एक ऐसा आंसर आता है जिसमें आप ज्यादा दिमाग ना लगा के गलत आंसर पे क्लिक कर देते हो, और वहां पे ही आपका जो एम है टू क्रैक नेट JRF वो थोड़ा सा लूज पड़ जाता है, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है वो लेस हो जाती है। तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। अगर आपके पहले के 10 क्वेश्चन ठीक हो गए हैं, इसका ये मतलब नहीं कि बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो ठीक होंगे। अपने आप को पेशेंस रखिए, कंटेंट रखिए, एंड देन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सभी ने सही आंसर दिया है, आंसर है बी, रॉबर्ट डार। वेरी गुड। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वॉज फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल शिफ्टेड फ्रॉम स्टेट टू कॉन्करेंट लिस्ट? आंसर करें 39, 40, 41 या 42। ओके, तो इसका तो सभी ने सही आंसर दिया है, आंसर इज डी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। वेरी गुड। टर्म सॉफ्ट पावर वाज कॉइंड बाय मॉर्गनथॉ, न्याय, वॉल्ट्स और अलेक्जेंडर वेन? टाइम स्टार्ट हो गया है, ये भी इजी क्वेश्चन है। यस, करेक्ट सौम्या, वेरी गुड। इसका भी सभी ने सही आंसर दिया है, आंसर इज जोसेफ नाय। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये तो बहुत बार पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूरोक्रेसी इन द मॉडर्न स्टेट इज द फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल, रैशनल, लीगल, कैरिज्मेटिक और पॉलिटिकल अथॉरिटी? टाइम स्टार्ट कर दिया है, वेरी गुड। तो इसका सभी सही आंसर दे रहे हैं, एंड द आंसर इज बी, रैशनल लीगल अथॉरिटी। ठीक है, रैशनल लीगल अथॉरिटी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। द फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन भारतीय किसान यूनियन वॉज एस्टैब्लिश बाय शरद जोशी, महेंद्र सिंह तिकायत, नंदू जम्पा, सॉरी नंदुन जप्पा और राजू शेट्टी? टाइम स्टार्ट कर रही हूँ। स्टूडेंट्स, अगर आपके कोई भी अभी डाउट्स हैं रिगार्डिंग एनी थियरी, तो अभी थोड़ा मुश्किल होगा उन्हें सॉल्व करना। तो अंकिता एंड अदर स्टूडेंट जिनके कोई डाउट्स हैं, आप टेलीग्राम पे मुझे कांटेक्ट कीजिए, वहां पे मैं आपके डाउट्स रिजॉल्व कर दूंगी। ओके ओके, सो टाइम यहाँ पे खत्म होता है और सभी ने इसका सही आंसर दिया है, आंसर इज बी, एम एस तिकायत। तो उनके द्वारा भारतीय किसान यूनियन की एस्टैब्लिशमेंट की गई। Which of the following countries did not witness political violence in the aftermath of Arab Spring 2011? Tunisia, Egypt, Libya or Saudi Arabia? Time start कर रही हूँ। Correct, सुरुचि। 41st question now. Yes, 40 questions done. Okay, so the time is up and the correct answer is D, Saudi Arabia. Okay, Arab Springs का मतलब है कि एक तरीके का डेमोक्रेटिक जो एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था टू यू नो डिसरप्ट द एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पावर, वो अरब स्प्रिंग के बारे में बात हो रही है, और सऊदी अरेबिया में ऐसे किसी तरीके का पॉलिटिकल वायलेंस नहीं देखा गया था, तो डी इसका आंसर है। न्यू मार्क्सिस्ट व्यू इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एज इगैलिटेरियन प्रोसेस, डेवलपमेंट प्रोसेस, हायरार्किकल प्रोसेस और नन ऑफ द अबव? आंसर करें।
ओके सो द टाइम इज अप एंड यहाँ पे मेजोरिटी स्टूडेंट्स ने बी आंसर दिया है. वेल स्टूडेंट द करेक्ट आंसर इज सी, हायरार्किकल प्रोसेस. जो न्यू मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स है उनका मानना है कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में एक हायरार्की मेंटेन की जाती है जिसमें देर इज अ डेवलप्ड कंट्री एट द टॉप एंड द डेवलपिंग कंट्रीज नीड्स इन द बिलो. तो ये वाली बात यहाँ की गई है, हायरार्किकल प्रोसेस इज द आंसर, सी इज द आंसर. एट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स अ लिस्ट ऑफ ऑफिशियल रिलीजन्स, कास्ट, एथनिसिटी, ऑफिशियल लैंग्वेज और नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव. टाइम स्टार्ट कर दिया है. यस सारिका, चलिए अब 150 प्लस हो गए तो 200 प्लस का भी मन कर रहा है अब, है ना सारिका? ओके चलिए तो टाइम यहाँ एंड होता है और सभी ने इसका सही आंसर दिया है. आंसर इज डी, ऑफिशियल लैंग्वेजेस बताई गई हैं एट शेड्यूल में. ओके गुड. Who has described J.S. Mill as reluctant Democrat? Paper, Barker, Sibley और Jones. Time start हो चुका है. हाँ करेक्ट किरण, सही बात है अंकिता, क्यों नहीं राइट. ओके तो यहाँ पे सब स्टूडेंट दे रहे हैं ए आंसर विच इज कंप्लीटली करेक्ट. आंसर इज सी एल, वेपर. गुड. एम एन रॉय इंटेग्रल साइंटिफिक ह्यूमनिज्म इज आल्सो नोन एज मार्क्सिज्म, ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म, साइंटिफिक सोशलिज्म और न्यू ह्यूमनिज्म. टाइम स्टार्ट कर रही हूँ मैं, प्लीज आंसर. जल्दी जल्दी आंसर करें. यस तो द करेक्ट आंसर इज दी, न्यू ह्यूमनिज्म. मेजोरिटी स्टूडेंट ने इसका भी सही आंसर दिया है. वेरी गुड. 46th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मली बिलीव्ड दैट पीरियोडिक कम्युनिकेशन करेक्शन इज रिक्वायर्ड बिकॉज लिबरलिज्म इज अ सेल्फ सबवर्टिंग डॉक्ट्रिन. जॉन रॉल्स, आर नोजिक, वॉकिन और वॉल्जर. 46 क्वेश्चन हो गए हैं, जल्दी जल्दी से करते हैं. फोर मोर क्वेश्चंस टू गो. सारिका टेलीग्राम पे मिलेगी. ओके सो द टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज डी, एम वॉल्जर. ज्यादातर स्टूडेंट्स बी आंसर पहले कर रहे थे एंड देन दे स्टार्टेड गिविंग द राइट आंसर. द करेक्ट आंसर इज डी. द स्कॉलर हु हैज डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन लीडर ऑफ पोजिशन, पर्सनैलिटी एंड फंक्शन इज बर्नार्ड मिलेट, मूनी और फोलियट. टाइम स्टार्ट कर दिया है, थ्री मोर क्वेश्चन टू डो टू गो. सॉरी ओके सो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया है. आंसर इज डी, एमपी फोलियट. उन्होंने बेसिकली तीन तरह के लीडरशिप के बारे में बताया, पोजीशन, पर्सनालिटी एंड फंक्शन. वेरी गुड. इंडिया लॉन्च ग्रीन एग प्रोजेक्ट इन जुलाई 2020. विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी फंडेड दिस प्रोजेक्ट? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, यूएनईपी. टाइम स्टार्ट कर दिया है. यस करेक्ट सोनम.
ओके सो द टाइम इज अप एंड मेजोरिटी स्टूडेंट्स या तो बी या डी आंसर दे रहे हैं और दोनों ही गलत आंसर है. आंसर है सी, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी. वो ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट जो है उसे फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं. ओके सेकंड लास्ट क्वेश्चन, टुवर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट डेल्ट विथ क्वेश्चंस ऑफ कास्ट, वुमेन, क्लास और इकोलॉजी. टाइम स्टार्ट हो चुका है. 1974-75 में रिपोर्ट आई थी. ओके तो यहाँ पे सब सही आंसर दे रहे हैं. आंसर है बी, वुमेन. वेरी गुड. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एन अर्ली सेंट्रल फिगर इन वेदांतिक नेशनलिस्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल. बंकिम चंद्र, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और टेगोर. टाइम स्टार्ट हो चुका है. ओके सो द टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज बी, विवेकानंद. वेरी गुड, आप सभी ने सही आंसर दिया है. तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारी आज की 50 क्वेश्चंस की प्रचंड लेक्चर इज ओवर. जैसे आप लोगों ने बोला था कि मैम 1 घंटे में खत्म कर दो, कर दी. 1 घंटे में खत्म, 3 मिनट अभी भी बाकी है. एंड ऑल दो स्टूडेंट्स उन्होंने प्रोबेबली लेट ज्वाइन किया, तो डू नॉट वरी, आप इस पर्टिकुलर यूट्यूब वीडियो को रिकॉर्डिंग में भी देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं. इसके अलावा जिन स्टूडेंट ने प्रॉबेबली ये क्लास मिस कर दी है, उनके लिए एक और क्लास शेड्यूल्ड है 4 बजे आज एट 4 PM. एंड दिस क्लास वुड बी टू डिस्कस लास्ट 5 ईयर्स में आईआर के किस तरह के क्वेश्चंस नेट एग्जाम में आए हैं, एंड उससे आप किस तरह की स्ट्रैटेजी को जान सकते हैं फॉर दी नेक्स्ट एग्जाम. ओके फॉर नेक्स्ट एग्जाम की स्ट्रैटेजी को समझने के लिए ये लेक्चर मैंने ऑर्गेनाइज किया है. सो इस लेक्चर को जरूर देखिएगा. ये यूट्यूब पे मैं आज ही लूंगी 4 बजे एट 4 PM. सो इस क्लास के लिए भी जरूर आइएगा. ओके नाउ प्लीज लेट मी नो कि आपके आउट ऑफ 500 कितने मार्क्स आए हैं. लेट्स सी कि किन स्टूडेंट्स के सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं. आउट ऑफ 500 इसके कितने मार्क्स आए हैं. वेरी गुड सरू, 430. वेरी नाइस. 450. वेरी गुड सारिका, कंग्रेचुलेशंस. हम यहाँ हाईएस्ट मार्क ढूंढ रहे हैं. लेट्स सी किसके हाईएस्ट आए हैं. वेरी गुड. न्यू ग्रुप हैज बीन मेड एवरीपीडिया, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो इसी नाम से. ओके गार्गी अंकिता, लेस मार्क्स हैं. थोड़े से और मेहनत की जरूरत है. गुड आर्या. ओके बबीता, कोई नहीं, और मेहनत करें. तो आई गेस अभी तक सबसे हाईएस्ट मार्क सारिका के रहे हैं, एंड एसबी क्लासेस एज वेल, जिन्होंने 450 स्कोर किया है. कॉन्ग्रेचुलेशंस. चलिए तो इसी नोट पे स्टूडेंट इस लेक्चर को एंड करती हूँ. आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा. रिमेम्बर कि अब आपको एक बस 4 बजे की लेक्चर के लिए भी मेरे साथ ज्वाइन इन करना है. आज ही ये लेक्चर है जिसमें मैं लास्ट 5 ईयर्स में जो आईआर के क्वेश्चंस आए हैं नेट एग्जाम में, उनको पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी, और उससे क्या आप सीख ले सकते हो फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम, उसके बारे में भी बात करेंगे. सो डू जॉइन दिस क्लास एज वेल. ओके ऑन दिस नोट, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ. आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी. किसी और स्टूडेंट को अगर अपने मार्क्स बताने हैं तो वो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं. ठीक है, बाय बाय. एंड अब मिलेंगे 4 बजे ऑन दिस प्लेटफॉर्म ओनली, दैट इज बायजूस एग्जाम प्रेप यूट्यूब चैनल. ओके बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ.